नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। आज हमारे साथ डॉक्टर संदीप कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहब मेडिवर्सल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। आज हम सर से जानने की कोशिश करते हैं कि बदलते वक्त के साथ साथ जो डायबिटीज़ की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, इसे ना कि बुजुर्ग पीड़ित है बल्कि आजकल युवा भी पीड़ित हो रहे हैं, तो इसके शुरुआती लक्षण हमारे शरीर पे क्या क्या दिखाई दे रहे हैं और ये युवाओं को क्यों ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात आपने कही है कि डायबिटीज़ या मधुमेह रोग, जहाँ एक समय में ओल्ड एज की बीमारी कही जाती थी, आजकल युवाओं में बहुत यंग एज पे बहुत कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमनली हम लोगों को मिल रहा है। इसके मुख्य लक्षण की अगर हम बात करें तो कई बार इसके कोई लक्षण नहीं होते, पर एक क्लासिकल जो लक्षण होते हैं वो है भूख का ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब जल्दी जल्दी होना या ज़्यादा होना पेशाब, थकान लगना, मांसपेशियों में खिंचाव या झंझनाहट का होना, तो ये मुख्य लक्षण है। पर आमतौर पर कई बार ऐसे होते हैं कि लोगों को पता भी नहीं होता, और इसलिए डायबिटिक स्क्रीनिंग कैंप जो कई बार कराए जाते हैं, डॉक्टर्स पारा मेडिकल सब लोग डिटेक्शन कैंप हम लोग करते हैं, तो लोग पहली बार उस समय अवगत होते हैं कि मेरा तो इतना ब्लड ज़्यादा शुगर है, मैं इससे अवेयर नहीं था, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। जहाँ तक युवाओं में होने का सवाल है तो डेफिनेट है कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हमारे जीवन शैली में होने वाले बदलाव ही इसके मुख्य कारण है। हमारा खान पान, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो एक्सरसाइज आजकल हम लोग बहुत नहीं करते हैं, खान पान का जो तरीका है उसे हमें निश्चित तौर पर बदलना होगा, और स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है। इस स्ट्रेस फैक्टर को कॉम्बैट करने के लिए, इससे जीतने के लिए जो उपाय करने चाहिए वो हम अपनाते नहीं, तो ये तीन मुख्य वजह है। इसलिए ये जीवन शैली से, खराब जीवन शैली से उत्पन्न होने वाला रोग है, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारा कई बार जो जेनेटिकली भी होता है, मदर फादर हैं, ग्रैंडफादर, दादा दादी, नाना नानी को हैं, तो उनसे भी इसका एक बेस या प्लेटफॉर्म तैयार होता है। तो जिनके घर में दादा दादी नाना या पिता माता को है, तो उनको तो और भी इसके लिए परहेज रखनी चाहिए। आज जैसा कि आपने बताया कि पेशाब में भी जल्दी जल्दी पेशाब आती है, तो पेशाब में भी कई तरह के कलर का क्या इसमें अहम भूमिका निभाता है? कैसे हम लोग जाने कि पेशाब के माध्यम से जो ये डायबिटीज़ का कारण है? मधुमेह या डायबिटीज़ में पेशाब के कलर का कोई बहुत रोल नहीं होता है, जब तक कि वो इन्फेक्टेड नहीं हो जाए, जब तक कि उसमें संक्रमण नहीं हो। पर पेशाब की मात्रा ज़्यादा होती है, बार बार पेशाब लगने का टेंडेंसी होता है। इनफैक्ट जो मरीज या पहले आराम से रात भर सोते थे, बीच रात में उठ के बार बार जाना पड़ता है, तो मात्रा ज़्यादा होती है, और इसमें कई बार फ्रोदिंग या इनफैक्ट पेशेंट्स कई बार देखते हैं कि पेशाब में चींटी लग जाता है, तो उनको मालूम चलता है कि क्यों ऐसा चींटी लग रही है। फ्रोदिंग झाग बहुत आता है ड्यू टू प्रोटीन लॉस, डायबिटीज़ के पेशेंट लोगों को ज़्यादा होती है। बट स्पेसिफिकली अगर मैं यूरिन के कलर की बात करूँ तो इसमें कलर का कोई खास इम्पोर्टेंस होता नहीं है डायबिटीज़ के डिटेक्शन के लिए। अगर बात की जाए कि यूरिन पास करने में किसी तरह की दर्द या जलन भी इस वजह से होता है? डिस्यूरिया ये शो करता है इन्फेक्शन के लिए, ज़्यादातर जो महिलाओं में ये डिस्यूरिया बहुत कॉमन है यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से। अगर किसी डायबिटिक पेशेंट हैं, लेडीज़ हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उनको यूरिन इन्फेक्शन से डेफिनेट बचना चाहिए, और पेशाब का संक्रमण नहीं लगे, क्योंकि इनफैक्ट संक्रमण से शुगर बढ़ता है और शुगर से संक्रमण बढ़ता है। जिनको पहले से डायबिटीज़ की कोई परेशानी नहीं है और बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो अपने शुगर की नियमित जाँच कराएँ। कुछ चीज़ें हैं जो शुगर के मरीज, जिनको मालूम है मुझे शुगर है, उनको हमेशा अपना डिटेक्शन कराते रहना चाहिए। पहला तो शुगर की जाँच नियमित रूप से कराएँ, दूसरा कि अपने किडनी फंक्शन टेस्ट का असेसमेंट करवाएं, अपने डॉक्टर से मिलें कि कितने कितने महीने पे हम अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। थर्ड यूरिन टेस्ट, जैसा आपने पेशाब के बारे में कहा, तो यूरिन टेस्ट भी हमें हमेशा कराते ही रहना चाहिए इंटरमिटेंटली, और ब्लड प्रेशर की हमेशा जांच कराते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे एक्चुअली इनफैक्ट शरीर में सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो कुछ ऑर्गन्स का एक और चीज़ वो मुख्य है, हम जिसको नज़रअंदाज करते हैं, वो आँखों की जांच। डायबिटीज़ के पेशेंट में मोतियाबिंद होना या पर्दे का
रेटिनोपैथी होना जिसको हम लोग कहते हैं वो भी बहुत कॉमन है, इसलिए अपने आँखों की भी जाँच नियमित रूप से करवाएंगे और डॉक्टरी सलाह लेंगे। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि शुगर की बीमारी अगर मालूम चल जाती है तो लोग कुछ जड़ी बूटी कोई ऐसी दवा को लेना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं खुद से हम कंट्रोल कर लेंगे, अभी कुछ दिन रहने देते हैं। तो ये गलती नहीं करें, अक्सर ऐसी गलतियां भारी पड़ जाती है और जब तक डिजीज़ कंट्रोल करने की स्थिति में मरीज पहुँचते हैं तब तक काफ़ी लेट हो जाती है और इन्फेक्शन लीवर किडनी सब इफेक्ट कर चुका होता है। तो ये गलती नहीं करें, डॉक्टर जो सलाह देते हैं जिनसे भी आप दिखाते हैं आप उनके टच में रहें, उनका निर्देश को उनके निर्देश का पालन करें और जो एहतियात खान पान के मामले में दिया जाता है उसको अपनाएं, जीवन शैली में बदलाव लाएं, नियमित व्यायाम करें और नियमित रूप से अपना एक जो परीक्षण है आँखों की जाँच HbA1c किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन टेस्ट इसको कराते रहें। जैसा कि आपने खान पान के बारे में बताया तो इस दौरान क्या अगर कोई मरीज है डायबिटीज़ का तो उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए आमतौर पर हम लोग तो डायबिटीज़ सीधे तौर पर शुगर का इसका संबंध होता है कि शुगर ऐसी कोई भी मीठी चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करें या कम करें। अगर जिनका कंट्रोल है ऐसा नहीं कि उन्हें मीठा एकदम पूर्ण रूप से वर्जित होगा, अगर शुगर कंट्रोल है तो वो ले सकते हैं मीठा, किंतु अपार्ट फ्रॉम स्वीट्स मेडिसिन मीठा के अलावा ये अमाउंट कैलोरी एक इम्पॉर्टेंट होता है। और सबसे बेस्ट मेथड जो एक दो साल पहले अमेरिका में आया था वो है हाफ प्लेट मेथड। कैलोरी कैलकुलेशन कई और डिफ़िकल्ट होती है, तो हाफ प्लेट मेथड का मतलब है कि आधा भोजन का जो आधा पार्ट है वो हमारा अनकुक्ड होना चाहिए, जिसे पकाया नहीं जाए यानी जिसमें फल सलाद ये सारी चीज़ें आएँ और बाकी जो आधी चीज़ें हैं वो रोटी दाल सब्जी हो। तो पूरे खाने का पहला कंटेंट हम एक निर्धारित करें कि कितना हम खाना खाते हैं, एक बार में पूरा खाना नहीं खाएं, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आहार लेंगे और जो भी आहार का जो मेन मील टाइम होगा उसमें हाफ प्लेट मेथड का इस्तेमाल करें। यानी आधे भाग में ऐसा भोजन होना चाहिए जिसमें सलाद जैसे गाजर है, खीरा है, ककड़ी हो सकता है, सेब है, बहुत नाशपाती है अभी के समय, इस तरह का जो अंकुरित चना मूंग इसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी आधा भाग जो होगा प्लेट का उसमें आप रोटी दाल सब्जी इस तरह को, ये सबसे ईजियर मेथड है जिसमें हम अपने कैलोरी को कंट्रोल कर सकते हैं। दरअसल डॉक्टर साहब खाने की बात हो रही है तो चावल लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं कभी कभी उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो क्या उन्हें किस मात्रा में अगर वो चावल खाना चाहते हैं तो किस मात्रा में वो खा सकते हैं? मैंने पहले कहा ही है कि शुगर के अगर मरीज हैं तो चावल और या मीठा भी वो खा सकते हैं, ये हाफ प्लेट मेथड के रूल को अगर फॉलो करते हैं तो। अगर उनका शुगर कंट्रोल रहता है तो अनकंट्रोल्ड शुगर में बहुत सारे ऐसे भोजन हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, उनका सीधे तौर पर चावल या इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, पर ऐसा भोजन जो खाने के बाद तुरंत बहुत ज़्यादा शुगर नहीं हाई करे तो अगर चावल लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, डॉक्टरी के सलाह जो है उनसे आप ले करके, चावल वर्जित नहीं है, चावल खाना मना भी नहीं है, चावल खा सकते हैं, कैलोरी मोर इम्पॉर्टेंट है राधर देन जो चावल या रोटी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर संदीप कुमार को सुन रहे थे जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।